में है, पब्लिक पर्सनैलिटी है, ये पब्लिक लाइफ में होने के कारण लोगों का जो आपको प्यार मिलता है, मोहब्बत मिलती है, आपको एक अपनापन मिलता है, वो आपको टीआरपी देता है, टीआरपी आपको पैसा देता है, शोहरत देता है, पिक्चरें दिलाता है, सब कुछ दिलाता है। तो अगर आप पब्लिक लाइफ में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है, क्योंकि आपसे लोग इंस्पायर होते हैं। जब आप एक ब्रांड को एंडोर्स करते हो, उसकी सेल्स ही बढ़ जाती है, लाखों करोड़ों की पहुंच जाती है, ठीक है जी। तो क्योंकि आपने उस ब्रांड को एंडोर्स किया, आपने बताया कमीज पहनी है, जूता पहनी है, ये चॉकलेट ड्रिंक लीजिए, लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया। अब जब आपकी अच्छाई मोनेटाइज होती है और आपको करोड़पति बनाती है, अरबपति बनाती है, प्रोडक्ट बिकते लाखों करोड़ों के, अगर आप में कोई बुराई है उसका भी उतना ही प्रचलन और प्रसार होगा, वो भी उतनी ही फेमस जाएगी, उतने ही लोगों तक जाएगी, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, आपकी अपील आपको सेलिब्रिटी बनाती है। अगर आपको ईश्वर ने एक चीज से नवाजा है, खुदा ने आपको एक चीज से नवाजा है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना, अगर आपके बारे में कोई भी बुरी चीज आएगी, कोई भी खराब चीज आएगी, वो भी इतनी। मैं ये मानता हूँ इसमें शाहरुख खान का शायद कोई रोल नहीं है, एज अ फादर उन्होंने तो नहीं चाहा होगा कि बेटा ऐसा करे, बट अब बेटा 23 साल का एडल्ट है। अब देखिए 23 साल का कोई बच्चा तो होता नहीं, 23 साल का नौजवान होता है। अब नौजवान क्या करता है क्या नहीं करता, मैं नहीं मानता कि कोई फादर चाहेगा उसका बेटा ये करे, बट हाँ अगर आप बच्चे नहीं सुनते, नहीं मानते, क्या करें। और रही बात हाई प्रोफाइल होने की, सेलिब्रिटी होने की, तो देखिए ये तो जाहिर सी बात है अर्जू जी, सेलिब्रिटीज हैव न्यूज वैल्यू, हाई प्रोफाइल पीपल हु आर इन पब्लिक लाइफ हैव न्यूज वैल्यू, तो न्यूज हाईलाइट करेगी, लोग बात करेंगे, लोग बातें करेंगे। और सबसे इसमें जो एक जो बहुत बुरी कनोटेशन निकल के आती है अर्जू जी, 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का, यू नो 2 अक्टूबर राइट, हम सब महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि देते हैं, राइट। इवन कल मैं भी गया था राजघाट, कल ये हम कुछ लोग तो सोचे 2 अक्टूबर छुट्टी है, मैं घर में सो जा, मैं कल राजघाट गया था, मैंने भी अपने श्रद्धा सुमन चढ़ाए थे, मैंने अपने सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वगैरह डाली थी। अब कुछ लोग तो हम जैसे जो जाके श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, कुछ तो घर से नमस्ते कर लेते, कुछ टीवी पे देख के नमस्ते कर लेते, ये सबके दिल में रहता, चलो यार अच्छा है, फादर ऑफ द नेशन है, बहुत उनका बड़ा योगदान रहा फ्रीडम स्ट्रगल में, और तब तो हिंदुस्तान पाकिस्तान भी नहीं था। उस दिन ड्राई डे होता है, कहीं भी पूरे इंडिया में किसी भी स्टेट में शराब वराब नहीं मिलती, बंद होती है। अब उसी दिन जहां पूरी 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या, पूरा भारत महात्मा गांधी जी की जो 2 अक्टूबर है उसको हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उसमें आप वहीं पे एक हाई सी पे जाके एक रेयर पार्टी करते हैं। और आरजू जी इसमें जो संवेदनशील विषय ये है, अगर कोकेन पकड़ी जाती है, कोकेन एमडीएम एसटीसी और चरस और भी कुछ कुछ था, पर कोकेन और एमडीएम और एसटीसी के पकड़ने के चक्कर में अरेस्ट होता ही होता है, ये इंडियन लॉ है। अब नार्कोटिक जो कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीबी ने ये कहा है कि आप शायद उनकी पुलिस कस्टडी नहीं मांगी, क्या क्या हमारे पास काफी सबूत है, जुडिशियल कस्टडी के लिए बोलेंगे, पर जुडिशियल कस्टडी में ये होता है अर्जू जी की उनको बेल मिल जाएगी कल, फिर केस चलता रहेगा। बट मैं ये मानता हूँ उनके आगे फ्यूचर के लिए, उनके आगे कैरियर के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जब भी जो मीडिया में खबरें आ रही थी काफी कोकेन, शायद 20-23 ग्राम कोकेन, कुछ ऐसे ही मुझे पूरे तरह से नंबर याद नहीं, कुछ अच्छी खासी संख्या में ये पकड़ा गया। पहले ये आर्यन खान उस पर भी फेमस हुए थे, आपको याद होगा एक MMS लीक हुआ था, असली क्या था नकली क्या था, वो भी का किस्सा हुआ। अभी सारा अली खान का भी हुआ, अभी सुनने में कि एक और बॉलीवुड सेलिब्रिटी है उनका भी बेटा है, अभी आप ये सुशांत सिंह राजपूत वाला भी केस देखे, अभी ये रिया चक्रवर्ती वाला देखे, तो काफी सारे, अभी ये हमारे अर्जुन रामपाल जी हैं उनके साले को अरेस्ट कर लिया जी ड्रग पॉइंटिंग में। तो ये जो ड्रग और बॉलीवुड है ये बहुत बड़ा नेक्सस बन रहा है। और मैं एक चीज आपको ये बोलूंगा, एक बहुत बड़ा वायरल वीडियो है अर्जुन जी हमारे सोशल मीडिया पे, सिमी गिरेवाल का शो है, शायद आपने देखा हो, वहां मैंने वो क्लिप देखा। आपने आप देखिए, हमारे यहाँ हिंदुओं में कभी कहते हैं ना, कभी माँ सरस्वती जबान पे दिन में एक बार जरूर बैठती है। आपने कहा था व्हेन ही इज 3 इयर्स ओल्ड आई विल ही कैन गो आफ्टर गर्ल्स, ही कैन हैव ड्रग्स, ही कैन हैव सेक्स एंड ऑल दैट। अब पता नहीं, आपने शायद टीआरपी के लिए कह दो, आपने शो में मिर्च मसाला लगाने के लिए कह दियो कि आन पे लोग देखेंगे मैं कितना कूल हूं। मेरी एक ही आपत्ति है, ड्रग्स आर नॉट कूल। इफ समबडी सेज ड्रग्स इज बीइंग कूल एंड इज अ लाइफस्टाइल स्टेटमेंट, ही इज अ ब्लडी फूल। ड्रग्स आर नॉट कूल, इनसे किसी को भी दूर रहना चाहिए। ड्रग्स कूल नहीं है, ड्रग्स कोई लाइफस्टाइल स्टेटस नहीं है। ड्रग आप अमीर हो, आप बहुत बड़े यू नो अभिनेता हो या उसके बेटे, इसलिए ड्रग्स करोगे, ये समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है। ड्रग्स बर्बाद करता है आदमी को, आदमी की जिंदगी खत्म कर देता है, आदमी को किसी लायक नहीं छोड़ता है, ये मैसेज आज जाना चाहिए। और ये जो उनके साथ हुआ शाहरुख खान के साथ,
मैं आज रिग्रेट करता हूँ वो क्लिप, वो क्लिप आरजू जी शायद 15-20 साल पुराना होगा, पूरे सोशल मीडिया पे आप देखेंगे, आपने भी देखा वही क्लिप चल रहा है। मुझे बताइए, मैं ये नहीं मानता कि भाई शाहरुख खान ने कहा और आर्यन खान ने सुन लिया, बट ये जो सेलिब्रिटी, अगर आप कहते हो भाई ये चॉकलेट खरीदो, ये जूता खरीदो, करोड़ों में सेले बिक जाती है, तो आपको देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर आप ऐसे स्टेटमेंट देते हो, ऐसी चीजें देते हो, कहीं ना कहीं ये देखिए क्या है, क्या लीला हुई, क्या मतलब ईश्वर का चमत्कार है, ये चीज आके आपके ही घर में हिट कर गई आज, ये जो आपने बोला ये चीज आके आपके घर में हिट कर गई। तो हमें इन ड्रग्स से, तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के भाई एक अपील है, मैं कॉलेज जाता था आरजू जी दिल्ली में, मैंने एक बोर्ड पढ़ा था, ड्रग्स डू नॉट इवन ट्राई देम, ड्रग्स डू नॉट इवन ट्राई देम, ड्रग्स डू नॉट इवन ट्राई, एक बार भी इसको ट्राई करने वाली चीज नहीं है। आपसे निवेदन है, हैविंग ड्रग्स इज नॉट कूल, यू आर अ फूल इफ यू इवन ट्राई देम। आप दूर रहिए, आपके परिवार को दूर रखे, इससे खतरनाक चीज दुनिया में कोई और नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने भी वो क्लिप देखा। पॉपुलैरिटी रेटिंग्स इसके लिए कुछ भी कह देते हैं, कह तो अब वो हमारे यहाँ कहावत है ना, आपके यहाँ भी है, खैर बदनाम हुआ तब भी तो नाम हुआ। बिल्कुल, और वही लग रहा है। लेकिन अभी आपको क्या फ्यूचर लग रहा है इनका के? 27 लगी है, ये काफी सख्त दफा मानी जाती है। हाँ, उनपे जो केस बना है वो कंजप्शन का बना है, पेडलिंग का या ट्रेड का नहीं बना है। कंजप्शन मतलब एक प्रोफिलिम है, पंचेबल ऑफेंस है, पर अगर ट्रेडिंग या ड्रग पेडलिंग का लगे तो बहुत बड़ा लफड़ा है, उससे शायद ही कोई निकल पाता है, क्योंकि उसमें कोई, क्योंकि आप तब समाज के लिए खतरा हो। आप देखिए जो कोर्ट वोट का केस है आरजू जी, आप जानते हैं बहुत बड़े बड़े वकील है, ऐसे ऐसे वकील है इनके पास जो एक पेशी का 10 लाख से 20 लाख रुपए एक अपेयरिंग का लेते हैं आरजू जी। ये इंटरनेट पर आपने भी देखा, गूगल पे ये सब है। तो देखिए, बड़े संपन्न लोग हैं, पैसे वाले हैं, कॉन्टैक्ट्स है, केस चलेगा, चलता रहेगा, निकलता रहेगा। पर आज जो हुआ है ना, वो हुआ चरित्र का संहार। जो चरित्र का संहार हुआ है, जो नई पीढ़ी में बॉलीवुड में, आज बॉलीवुड वाले आरजू जी मुंह छुपाते फिर रहे, चू नहीं निकल रही किसी की, बोल नहीं रहा कोई कुछ। मतलब पहले कहते थे जी गवर्नमेंट हमारे पीछे पड़ा, अब एनसीबी ने कल बोल दिया, बोलते भाई हमने एक साल में 300 रेड किए, 300 रेड में कहीं नहीं ना, मतलब जब हम पकड़े जाए तो हाय तोबा क्या कर दिया, कहर बस बरस गया, बिजलियां टूट गई। जब आप जैसा हम जैसा कॉमन आदमी पकड़ा गया तब तो कोई बात नहीं, हाँ वो तो ड्रग्स ले रहा था, लॉ विल टेक इट्स ओन टर्न। और ये आज कोई एक सज्जन जो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, आरजू जी कहूंगा आपके शो पे, कह रहे थे ये आर्यन तो बस बेटा 23 साल का है, 23 साल। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ थे अर्जुन अरुण खेत्रपाल 1965 वॉर में, 71 वॉर मुझे ध्यान नहीं है, 22 साल के थे, परमवीर चक्र मिला उन्हें। मनोज पांडे कारगिल वॉर 24 साल के, परमवीर चक्र। विक्रम बत्रा 24 साल कारगिल वॉर, परमवीर चक्र। निर्मल जीत सिंह सेखू 26 साल 1971 वॉर, पहला परमवीर चक्र इंडियन एयरफोर्स, वो भी 24 साल के थे, 23 साल के थे, 22 साल तो के थे। ये आप तो शायद सुनील शेट्टी की बात कर रहे हैं, आप शायद सुनील शेट्टी जी को कह रहे हैं। और भी ऐसे कुछ लोग हैं ट्विटर पे आते, देखिए ट्विटर, लेकिन इस तरह के स्कैंडल समीत जी निकलते चले आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ड्रग्स की बात ही नहीं हो रही, बीच में स्कैंडल निकला था, कैसे कंट्रोल करना चाहिए? देखिए आरजू जी, सबसे पहली बात क्या कि ये जो हम धारणा बनाने की लोग, देखिए ऐसे में क्या होता है, आप जानते हैं मीडिया से, ऐसे में पीआर एजेंसी होती है जो क्राइसिस मैनेजमेंट करती है, बहुत बड़े बड़े दिग्गज उनके पास होते हैं, बहुत पैसे लेते हैं लोगों से, तो वो ये पैंतरे डालते, देखो जी केवल 23 साल का। मैंने इसीलिए 4 नाम गिनाए, वो भी भारतीय, 23 साल थे, 22 साल थे, उन्होंने देश को बचाया, परमवीर चक्र मिला जो हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है। तो अगर 24 साल के विक्रम बत्रा को परमवीर चक्र मिल सकता, आप ये नहीं कह सकते 23 साल का आर्यन खान बच्चा है, ये दिमाग से निकालिए। 22 साल का, 21 साल का था अरुण खेत्रपाल, तो आप ये नहीं कह सकते 23 साल में आपको कुछ नहीं पता जी, आपके तो दूध के दांत नहीं टूटे जी, आप बहुत मासूम हो। दूसरी बात, मैं पेरेंट्स से सबसे इंडिया में, पाकिस्तान में, जहां भी ये शो दे रहे, भाई हाथ जोड़ लो, पैर पड़वा लो, आप अपने बच्चों को बुलाइए, काउंसलिंग कीजिए। ड्रग्स आर नॉट गॉड डैम कूल, देयर इज नथिंग कूल अबाउट ड्रग्स। ड्रग्स तबाही का नाम है, ड्रग्स बर्बादी का नाम है, ड्रग्स इज श्योर शॉट डिजास्टर। ये नहीं कि आपके पास पैसे, मेरे बाप के पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत संपन्न हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मैं 5 लाख रुपए की टिकट लेके एक क्रूज में जाता हूं, वहां रेव पार्टी होती है, पैसे दुनिया में बहुतों के पास है आरजू जी, और बहुत ज्यादा पैसे हैं। पर पैसे का मतलब ये नहीं कि आप ऐसी चीजों में पढ़ो जिसमें आपका फ्यूचर खत्म हो जाए। मुझे बताइए, आज तक, कल तक आर्यन खान के आसपास कुछ कॉन्ट्रोवर्सिया थी, एमएमएस वगैरह ये सब था, तो लोगों ने कहा यार मॉर्फ था, नकली था, हमें भी नहीं पता असली था नकली था, जो भी था। आप बताइए, आज तो वो अरेस्ट हो गए, आज तो
कोर्ट में केस चला गया, आज तो ड्रग्स पकड़ी गए। अब आप इसको नहीं कह सकते ना नकली था, अब तो ये नहीं कहोगे ना भाई ये सब फैब्रिकेटेड है, ये फैब्रिकेटेड नहीं, वो वहां पकड़े गए। मुझे बताइए, जब पूरा देश बापू को श्रद्धांजलि दे रहा है, हाई सी पर, आप हाई सी पे क्यों पार्टी होती है आरजू जी? क्योंकि हर स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन होता है। जब आप एक स्टेट के बाहर निकल जाते हैं, कुछ वाटर में ऐसा ज्यूरिसडिक्शन आता किसी का नहीं आता, मतलब काइंड ऑफ नो मैन्स लैंड सा हो जाता है। तो आप वहां ये पार्टी इसलिए करते हो ताकि आप लॉ और उसके शिकंजे से दूर निकलो। अब एनसीबी के लोग सिविल यूनिफॉर्म लगा के, मतलब नॉर्मल, उन्होंने टिकट ली, पार्टी ली, उनको इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने कहा 2 हफ्ते से हम इसको ट्रैक कर रहे थे, मीडिया में बोला, और वहां हमने इनको रंगे हाथ पकड़ा। पहली बात रंगे हाथ पकड़ा, समुंदर में पकड़ा। इस क्रूज का टिकट 1 से 5 लाख रुपए था। मुझे बताइए 1 से 5 लाख रुपए का टिकट खरीदने वाले कितने लोग, कितने ऑर्डिनरी लोग खरीदते हैं? पर इसका मतलब ये नहीं है, मैं हर एक से निवेदन ये करूंगा, विनती ये करूंगा, हाथ जोड़ के अपील ये करूंगा, आपके पास कितने भी पैसे हो भाई, पर बच्चों को ये चीज मत करने दीजिए। आप क्यों अपने बच्चों को रोकना, आपका दायित्व बनता, स्कूल का दायित्व बनता, समाज का दायित्व बनता। और एक चीज तो हाथ जुड़वा लो, पैर पड़वा लो, ड्रग्स इज नॉट कूल। इफ यू थिंक ड्रग्स आर कूल, यू आर अ फूल। ड्रग्स इज नॉट कूल, द ड्रग्स इज नॉट अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। आप अमीर, आप ड्रग्स करेंगे, ड्रग्स बनकर कूल हो जाएंगे, ये भाई हाथ जोड़ लो, ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये डिजास्टर का दूसरा नाम है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। आरजू जी, आपको, हमें, जितने भी लोग हैं जिनका भी कुछ से है, मैं तो बस यही हर एक से निवेदन कर रहा हूँ, जो भी आपका शो देखेंगे, जो भी मेरे सोशल मीडिया पे शो देखेंगे, भाई बहनों, ड्रग्स आर नॉट कूल। और खासकर मेरे युवा जो नौजवान है, मेरे साथी है, उनसे तो मैं हाथ जोड़ के, बड़ा भाई मानिए, आप अंकल मानिए, जो आपको बोलना बोल दो भाई, पर इससे दूर रहो। एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, ड्रग्स डू नॉट इवन ट्राई देम, एक बार भी नहीं, कभी नहीं, किसी भी हालत में नहीं, यही आपका बचाव है। अगर 2-3 बार आप इसके चक्कर में पड़ गए, आपको कोई नहीं बचा सकता। और मैं ये फिर ये भी कहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान चाहते होंगे, उनके मन में होगा कि ऐसा दिन उन्हें देखने को मिले, पर ये दिन आया है। आपका कंट्रोल कहीं ना कहीं कम हुआ है, हल्का हुआ, आपने उस PRP के चक्कर में उस दिन कुछ कह दिया और आज ये चीज आपके घर तक आ गई है। यही कहते हैं ना हम कि हमें अपनी जबान पे और हमें अपने कर्मों पे पूरा कंट्रोल रखना चाहिए, हमें बिल्कुल आग से नहीं खेलना चाहिए। आरजू जी, आग से मत खेलो, आपका भी घर जला देती है। बिल्कुल, अपने अल्फाज पे बहुत कंट्रोल रखें, कोई बुरी लोग है, एक तो सिविलियंस और फिशरमैन है, जो मेजोरिटी ऑफ द ब्रंट, जिनको सबसे ज्यादा इस चीज को सहना पड़ता वो है फिशरमैन। अभी मैं लेटेस्ट डाटा देख रहा था, इंडिया का जो क्लेम पाकिस्तान पे 70 सिविलियंस और करीब 277 फिशरमैन है। पाकिस्तान का क्लेम है 49 सिविलियंस या 260 फिशरमैन, कुछ ऐसा, मतलब राउंड अबाउट ये नंबर है। तो टोटल 350 लोग हैं। अब फिशरमैन बेचारा कब वहां चला जाए, कब उसकी नाव, देखो छोटा फिशरमैन है, GPS नहीं है, रडार नहीं है, कुछ नहीं, मछली पकड़ता पकड़ता कब वो वाटर क्रॉस कर गया कुछ नहीं पता। अब इस फिशरमैन को जब गिरफ्तार हो जाता, अब इसका जी, इसके पास पासपोर्ट होता नहीं, नाव में पासपोर्ट रख के तो जाएगा नहीं, इसका ID कार्ड होता नहीं, अब ये फंसते रहते। तो अभी मुझे लगता है जनवरी 2020-21 में शायद एक आदान प्रदान हुआ भी था, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी पाकिस्तान को, और आपके यहाँ से भी कुछ चिट्ठी वगैरह आई है, भाई ये लोग हैं, इनकी फहरिस्त है। पर एक बहुत ट्रबलिंग इसमें मैंने चीज़ देखी, करीब 17 लोग ऐसे आरजू जी जो पाकिस्तान के जेलों में हैं, जिनका ना मेंटल बैलेंस खो चुका है। मेंटल बैलेंस खोलने के बाद, अब वो कैसे, वो नेचुरल हुआ, वो टॉर्चर से हुआ क्या, ये मुझे नहीं पता, बट अब उनको यही नहीं पता वो है कौन। अब पाकिस्तान का कहना, भाई इनकी सजा खत्म हो गई, पूरी हो गई जी, अब उनको कहता अब है कौन। अब इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, इधर उधर तस्वीरें निकाली, ये निकाली, ये बंदा है कौन। अब अचंभे की बात ये, करीब 17 ऐसे केस है जिनके आगे पीछे कोई आ ही नहीं रहा। अब मुझे लगता है कि अगर ऐसे कुछ केस हो, उनको गवर्नमेंट को हमारी अपनाना चाहिए, उनको यहाँ पे उनका मेंटल जो हॉस्पिटल्स हैं, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, उन पे उनका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ये जो एक टेंडेंसी आई है। और दूसरा एक और आरोप लगा है कि भाई पाकिस्तान एक्सेस नहीं देता इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर की, ताकि देखिए उनकी मेंटल हेल्थ कैसे है। ऐसा ना हो कि आप 5 साल बाद 7 साल बाद बोला ये किसी, इसकी खसरा तो खत्म हो गई, इसकी हालत मेंटली ऐसी है, कहता मेरे को तो पता ही नहीं मैं हूँ, कहना भाई साहब आप कौन, बहन जी आप कौन, कहते जी मैं तो पता ही नहीं, मतलब यू डोंट मेक पीपल इनटू अ बनाना, यू डोंट मेक पीपल इनटू अ पंपकिन, जहाँ उसको यही नहीं पता मैं हूँ कौन। ये एक ट्रेंड खतरनाक है, जो नंबर है बहुत ज्यादा नहीं, आरजू जी 300-350 का इधर उधर है, वो सेटल हो सकता, पर ये जो नो मैन्स लैंड में लोग जा रहे हैं ना, जिनको यही नहीं पता लग रहा वो है कौन,
अब ये नेचुरल है, ये इंड्यूस्ड है, ये ड्रग इंड्यूस्ड है, टॉर्चर है, क्या पता नहीं। तो अब सबसे पहले तो अगर आपने प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ा आपको, या जो भी है प्रिजनर आपने पकड़ा, भाई ये मछुआरा कब वार कर रहा था, बॉर्डर वार कर रहा था, उसकी आइडेंटिटी शुड बी इमिजिएटली डिक्लेयर। उसको मेडिकल एक्सेस देना चाहिए कि लोग आए, उसका सेहत का मुआयना हो, ये हो, और इमिजिएटली अगर उसकी आइडेंटिटी डिक्लेयर की जाए, उसके घर वालों को नोटिफाई कर सकते हैं, भाई आपका ये बंदा यहाँ पाया गया है, ताकि कल को ये वाली स्थिति ना आए कि 17 साल बाद या 17 ऐसे 20 ऐसे केस है जिनका आगे पीछे कोई नहीं, पता ही नहीं किसी को वो है। आप भी जानते हैं जेलों में क्या होता है, कि जेल कोई मतलब डे स्कूल तो होता नहीं, विषय नहीं है, बट ये एक बहुत ट्रबलिंग सिचुएशन है। अगर ऐसे केस आते रहे, भाई सजा पूरी हो गई, अब उसका मतलब दिमागी स्तर ऐसा, अर्जू जी उसको ये नहीं पता मैं हूँ कौन। लेकिन ऐसे केसेस सर भारत में भी तो होंगे, या प्रिजनर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स करके उसको, बट अगर अगर आपका पासपोर्ट मान लीजिए खो भी जाता है, प्रोटोकॉल ये है कहीं भी जो आपकी एम्बेसी है, कि कोई कंट्री ऐसी जहाँ आपकी एम्बेसी नहीं होती पर किसी और एम्बेसी के थ्रू काम करते, आपको इमिजिएटली वहाँ रिपोर्ट करना है। अगर आप एम्बेसी में अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर पाते तो 24 घंटे में आपका पासपोर्ट इशू हो जाता है, और वो गवर्नमेंट भी आपको करीब शायद 72 घंटे या हफ्ते भर का टाइम देती है आप एम्बेसी जा। पर दिक्कत कहाँ आती जब आप अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर ही नहीं पाओ। अब बेचारा मछुआरा है, इसने ये लाइन पार कर गया, अब पानी में तो लाइन दिखती नहीं, ये पार कर गया, ना इसके पास आइडेंटिटी, ना इसके कागज, मान लीजिए पढ़ा लिखा भी नहीं है ज्यादा, आजकल हमारे यहाँ आधार कार्ड वगैरह आ गया, पता नहीं आपके यहाँ है नहीं है, अब उसके पास कुछ है नहीं, कहता जी मैं वहां का हूँ। मोस्टली केसेस सॉल्व हो जाते हैं, 70-80% तो मछुआरे, 20% वो सिविलियन है जो, या जो वो लोग हैं जो अपनी आइडेंटिटी प्रूव ही नहीं कर पाते। और जो आपका पहला सवाल था, अभी भारत ने जो केस बोला वो 17, पाकिस्तान की तरफ से अभी ऐसा कोई क्लेम आया नहीं है कि कोई ऐसा पाकिस्तानी यहाँ जिसका मेंटल तवाजुन खराब हो गया और वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, ऐसा कुछ नहीं। पीरियडिकली ये जो एक्सचेंज होते रहते हैं पीरियडिकली, अभी आई थिंक जनवरी 2021 में भी या 20 में हुआ था जहाँ तक मेरी मेमोरी मुझे सर्व करती है, तो एक्सचेंज होते रहते हैं, पर समस्या वहाँ थी जहाँ है नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर किसी को भी आपने पकड़ लिया, कोई भी हो, आप तुरंत एक वेबसाइट बनाइए, उसको डिक्लेयर कीजिए, भाई ये बंदा हमने पकड़ा है, हमारा अंदेश है ये यहाँ का है, तो तुरंत वो ओनर्स बन जाएगा दूसरी कंट्री पे कि उसको आइडेंटिफाई करें वो है कौन। अब ये भी हो सकता है कि 17 साल बाद 15 साल बाद उसकी जी सजा खत्म हो गई, अब हम ढूंढ रहे हैं वो है कौन। अब 15 साल में उसके रिश्तेदार हैं नहीं है, कौन है, क्या उनको ये लगा भाई मर गया, क्या हो गया, अब वो किस गांव में है, किस कस्बे में, वहाँ इंटरनेट है नहीं है। पर अगर हम शुरू शुरू में इसको एक सेंट्रलाइज डाटा बेस में डालें, इसको इमिजिएटली पब्लिश करें, उससे क्या होगा, हमारा इंटेंशन क्लियर है, हमारा कोई मिसप्ले का इंटेंशन नहीं, हमारा इंटेंशन क्लियर, ये बकड़ा बंदा है, ये बंदा है जी, ये हाइट है, ये वेट है, ये बर्थ मार्क है, जो भी है, ठीक है जी, ये हमने फुल डिक्लेयर कर दिया। अब अगर हम ये डिक्लेयर करेंगे तो जब तक उसकी सजा पूरी होगी या जो भी ऑफेंस है, तब तक हर एक्टिव डाटा बेस में रहेगा, एक्टिव डाटा बेस में रहेगा, कोई ना कहीं कहीं ना कहीं तो पूछेगा ना। अगर आदमी का बच्चा पत्थर से तो पैदा हुआ नहीं, कोई माँ होगी, बहन होगी, बाप होगा, भाई होगा, बच्चा होगा, कोई ना कोई तो पूछेगा भाई ये सज्जन था, ये व्यक्ति है, ये मिसिंग है, तो इमिजिएटली वी कैन टेलिंग हाँ जी ये उस जेल में बंद है। अब उनका सजा पूरी हो गई तो तब हम बोल सकते हैं, चाहे उनका मेंटल तवाजुन अच्छा हो बुरा हो, ये आदमी उसके, ये उनके रिश्तेदार है, आप हम उनको लाते हैं, हैंड ओवर कीजिए। पर मैं अब भी ये कहूंगा, अगर किसी का मेंटल बैलेंस ठीक नहीं है पाकिस्तान के जेल में, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है हम उसको इंडिया लाए, यहाँ उसका इलाज कराए, जब उसके कोई मिलता है रिश्तेदार ठीक है, नहीं मिलता तो हम उसका ध्यान रखें। ये तो हम कह रहे हैं ना हमारा सिटीजन है, अगर हमारा सिटीजन है उसके रिश्तेदार मिले ना मिले आरजू जी, हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उसको यहाँ लाए, बिल्कुल बनता, हमारा सिटीजन हमें यहाँ लाना चाहिए, रिश्तेदार नहीं तो गवर्नमेंट को उसका ध्यान रखे। हमारे बहुत इदारे हैं, बहुत ऐसी चीजें जहाँ ध्यान रख सकते हैं। तो इन चीजों को ये आपने बहुत अच्छा विषय उठाया है कि ये बेचारे ना कुछ नो मैंस लैंड में फंस जाते, ब्यूरोक्रेसी में दब जाते, फाइलों के अंदर दफन हो जाते हैं। तो अगर ये ऐसे विषय उठेंगे तो कुछ ना कुछ उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जो लोग देखते हैं, जो लोग इन चीजों को वॉच करते हैं, कुछ ना कुछ छोटा मोटा एसओपी बना देंगे। देखिए आखिरकार है तो इंसान ना, अब आपने उसको सजा देनी थी दे दी, जो करना था कर लिया, भाई उसको अगर देखिए आपको मेरे को किसी को भी मरना, मरने के लिए अपनी वतन की मिट्टी तो नसीब हो, ये तो होना चाहिए ना, ये हक तो आप उसे देना ही मत कीजिए ना। उसका रिश्तेदार है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, लाइए उसको भारत, लाइए उसका ध्यान रखिए, रिश्तेदार है अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम प्रशासन है सरकार है, ध्यान हमारे रखे। जैसे देशों में इतने जो है दोनों इसी तरीके से जरूरी नहीं क्योंकि फिर निकल नहीं फेस करनी पड़े तो मछली पकड़ने जाएगा नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। अब बेचारा लाइन कब कार कर ले, पानी पे तो लाइन भी नहीं देखती ना,
पानी पे लाइन थोड़ी ना बिल्कुल, दिखती है, वो खराब तो निकले अक्सर ही तो होता रहता है, वो तो अक्सर ही क्रॉस करते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको तो वापस कर दिया जाता समुद्र में जब आप छोटी सी बोट पे हो तो कुछ भी हो सकता है। तो ये आपने बहुत अच्छा विषय उठाया अर्जु जी, ऐसे लोग ना बेचारे कहीं ना कहीं इधर उधर फंस के रह गए, दबके रह गए, तो उम्मीद ये करते हैं कि कोई लोग इसे देखे और कुछ एक्शन हो, क्योंकि आखिरकार इंसान तो बिल्कुल। इंसान और हम ये भी चाहेंगे जरूर के दोनों में से जिनके बारे बिल्कुल होना चाहिए और इस तरह रखनी चाहिए बेहतरी की। थैंक यू सो मच सर। थोड़ी तो गुंजाइश होनी चाहिए।